हेलो दोस्तों, ये गर्मा गर्म समोसे देख रहे हो ना, ये हमने घर पर बनाए हैं और बहुत ही आसानी से। तो दिखाते हैं हम आपको समोसे बनाने की रेसिपी। तो हमने मैदा लगा कर रखी हुई थी और आप देख सकते हैं मैदे में नमक और अजवाइन मिलाकर हमने नॉर्मली मैदा लगाई थी। और ये आलू की पिट्ठी बना कर रखी थी, जिस तरह से आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरह से हमने पिट्ठी बनाई थी। और ये एक बेल कर लोई और हमने इसको दो कट में किया और हाथ में दो बार राउंड करने के बाद इसमें आलू भरकर और इस तरह से प्रेस करते हुए हमें इसको बंद कर देना है इसके मुंह को ऊपर की साइड से। और इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ ये हम दूसरा समोसा भी रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमने ये सारे समोसे बनाए थे और समोसे जो बच्चों ने खाए उनको बहुत टेस्टी लगे। आप भी इस तरह से समोसे बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हो और आप भी खा सकते हो। जब भी आपका समोसे खाने का मन करे तो आप बाज़ार से ना लाकर और इस तरह से घर में बना सकते हैं। लेकिन जो आपको समोसा प्रेस करना है वो नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से अच्छे से करना है, जिससे कि सेकते टाइम आपका समोसा खुल ना जाए। तो इस तरह से सेक लेना है प्रेस करते हुए अच्छे से दबाकर और से बंद करके, और इस तरह से सेक लेना है। तो इसको जो सेकना है वो धीमी आंच पर सेकना है, ना ज़्यादा धीमी ना ज़्यादा तेज, मीडियम गैस पर सेकना है। अगर इसे तेज़ गैस पर सेकोगे तो फिर इसका जो मतलब स्वाद आएगा ना वो बाजार जैसा नहीं आएगा और थोड़ा क्रंचीपन नहीं आएगा। और इस तरह से अगर आप सेकोगे मीडियम गैस पर तभी आपका समोसा बढ़िया सेकेगा, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। तो इसमें समोसे को सेकने का ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा है रहता है कि समोसा सिकता किस तरह से है। अगर आप तेज गैस पे सेक देंगे तो उसकी पापड़ी पापड़ी अलग हो जाएगी, आलू आलू, तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो बाज़ार में आता है। जब भी आप सेकें समोसे को तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमारे समोसे बनकर रेडी हो चुके गर्मा गर्म, और अब इन समोसों को चटनी से या सॉस से जैसा भी आप सूटेबल हो वैसे खा सकते हैं। और मेरे बच्चों ने तो सॉस से खाए थे और हम लोगों ने चटनी से खाए थे। तो आपको हमारी ये समोसे बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करते रहें। क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए बनाते ही रहते हैं। और देखिए समोसे का लुक भी कितना अच्छा लग रहा है, कोई देखकर कह नहीं पाएगा कि ये बाज़ार के समोसे नहीं हैं। मैं आपको एक खोल कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार जैसे। और जब भी आप समोसे बनाएं तो मैदा लगाएं तो उसमें हल्की सी अजवाइन डाल दें, जिससे कि आपके समोसे का टेस्ट दुगना हो जाए। और नॉर्मली आप आलू के पराठे बनाते हैं उस तरह से पिट्ठी बनाकर आप इस तरह से समोसे बना सकते हो। तो ये देखिए मेरा रुद्र समोसे देखकर बड़ा खुश हो गया, इसे समोसे बहुत पसंद है। तो मैं हल्का मसाला लगाकर और रुद्र और अपनी बेटी को खिलाती हूँ। तो ये देखिए बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मैं अपने नए नए आइटम भी बनाती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब।